हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मुंबई यूनिवर्सिटी आईडल डिपार्टमेंट की तरफ से टीवाई बीकॉम के लिए टाइम टेबल को रिवाइज कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का माहौल चालू था कि इस टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 का जो 14 तारीख का पेपर है उसको शेड्यूल करके 21 कर दिया गया था, जैसा कि एक सर्कुलर आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलता है। इसके बाद ये सारी सर्कुलर जो भी चीजें थी वो एक कंफ्यूजन के माहौल में कन्वर्ट कर दी हो गई थी, जिसके बाद लोगों को यही कई आस था कि आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे रीशेड्यूल कर दिया गया सिर्फ एक पेपर। लेकिन बाद में टीवाई बीकॉम या टीवाई बीएसएल जो अपडेट बाहर निकल कर आई उससे ये कन्फर्म हो गया कि आपकी जो एग्जामिनेशन है उसे पूरी तरीके से रीशेड्यूल कर दिया गया था, जिसके बारे में आईडॉल के डिपार्टमेंट के जो ऑफिशियल्स थे उसमें भी मतभेद देखने के लिए मिल रहे थे। इनिशियली जब ये सर्कुलर रिलीज हुआ था, जिस सर्कुलर की मैं आपके सामने बातें कर रहा, जो सर्कुलर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस सर्कुलर से रिलेटेड जब मैंने आईडॉल से बात करने की कोशिश की थी इनिशियल लेवल पर, तब उनकी तरफ से ऐसा था कि सर यहाँ पे 14 तारीख का पेपर पोस्टपोन होकर 21 को कर दिया गया है। लेकिन बाद में कुछ स्टूडेंट्स ने जाकर वहां पर बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ सबको अलग अलग रिस्पॉन्स देखने के लिए मिला। सबसे ज्यादा तकलीफें कब होने लगी, जब यहाँ पर टाइम टेबल भी रिलीज नहीं हुआ और हॉल टिकट भी रिलीज नहीं हुआ। और ये सारी चीजें जब हमने आइडल तक पहुंचाने की कोशिश की तो वहां पर फेवरेबल रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि जो ऑफिशियल्स है वो जल्दी मुलाकात करते नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो काउंटर पर नीचे जो आपके डाउट सॉल्विंग के लिए बैठे रहते हैं उनको आई थिंक वो अपडेट नहीं थे। लेकिन इतना कंफर्म था कि उन्होंने कहा कि 14 तारीख का पेपर आपका पूरी तरीके से पोस्टपोन करके 21 मार्च को किया जा सकता है, इसके लिए आपको अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा। इस तरीके का स्टेटमेंट उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिया था, जिसके बाद अब मुंबई यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर टीवाई बीकॉम और टीवाई बीए आपको यहां पर करना क्या है, मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। विजिट करने के बाद जैसे ही आप नीचे की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको टीवाई बीकॉम का रिवाइज टाइम टेबल और टीवाई बीए का रिवाइज टाइम टेबल देखने के लिए मिलेगा। अब ये टाइम टेबल के अंदर जैसा कि आपको पता है 21 मार्च से आपका पेपर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जो टीवाई बीए वालों का बच्चों का पेपर है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 के दरमियान होगा, और जो टीवाई बीकॉम के बच्चों का पेपर है वो 10:30 बजे से लेकर 1:30 बजे के दरमियान होने वाला है। तो 21 मार्च को उनका फाइनेंशियल अकाउंटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट का पेपर होगा, 23 मार्च को कॉस्ट अकाउंटिंग या बिजनेस मैनेजमेंट पेपर 2 होगा, 24 को इको, 27 को कॉमर्स 5, 28 को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, 29 को एक्सपोर्ट मार्केटिंग, 31 को साइकोलॉजी, और 1 तारीख को आपको मार्केट रिसर्च देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं आपको बता दूं कि अगर जो भी टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक अपनी पढ़ाई चालू नहीं की और वो चाहते हैं कि वो पढ़ाई करें तो माय डियर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे एप्लीकेशन की, आशीष सर कॉमर्स ऐप की, जहां पर आप एक नॉमिनल कॉस्ट में अपनी अकाउंट्स 1 कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट टैक्स के प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जिसकी प्राइसिंग 501 है। लेकिन अगर आप वहां पर एक कोड अप्लाई करते हो, सर वो कोड क्या है, माय डियर वो कोड आपके लिए होने वाला है आपका ऑल द बेस्ट, ठीक है। आपको सिर्फ वहां पर करना क्या है सर, वहां पर एक कोड अप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं वहां पर आपको ऑल द बेस्ट करके कोड अप्लाई करना पड़ेगा, आपको ऑल द बेस्ट, ठीक है, ऑल द बेस्ट BEST करके बेस्ट करके आपको यहां पर डालना पड़ेगा। आपको मैं यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा तो इससे आपको क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है माय डियर। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर जाकर आप कोर्सेज को बाय भी कर सकते हैं, 251 का कॉस्ट हो जाएगा। फिर 501 पे आपको 250 का डिस्काउंट इनिशियली मिल जाएगा, जिसके बाद वो 251 में आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपके अकाउंट्स 1, अकाउंट्स 2 और टैक्स की यहाँ पर बातें होने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ऑल द बेस्ट करके कोड देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं टीवाई बीए के स्टूडेंट्स की, तो टीवाई बीए का एग्जाम भी आपका इस तरीके से शुरू होगा। और यहाँ पर एक और आपको यहाँ पर दिया गया है कि नोटिस कि टीवाई बीए के टाइम टेबल को आप किस तरीके से रीड कर सकते हैं। तो माय डियर रीड करने का तरीका एकदम सिंपल होने वाला है। टीवाई बीए का बीए के अंदर 2 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, एक दो अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। जो यहाँ पर आपका जो सबसे लोएस्ट पेपर कोड होने वाला है, मतलब एक आपका हाईएस्ट होगा और एक लोएस्ट होगा। अब सब मालूम कैसे पड़ेगा, मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर कोड है 11 और आपने मराठी भी लिया, तो इंग्लिश और मराठी, तो लोअर क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश का पेपर पहले होगा और 12 को आपका 12 मेजर कोड है तो उसका पेपर आपका बाद में होगा। तो यहाँ पे क्लियरली कहा है
कि जो सब्जेक्ट है वो लोएस्ट पेपर कोड के साथ जो होने वाले हैं वो 21 से लेकर 24 मार्च के दरमियान होंगे, और जो हाईएस्ट पेपर कोड है वो 31 से लेकर 3 अप्रैल के दरमियान होने वाले हैं। ये सर्कुलर भी आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने के लिए मिल जाएगा। आई होप आपकी जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज है वो क्वेरी दूर हो चुकी होगी, और अगर आप टी वाई बी कॉम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 5 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मैं एक पिन कर दूंगा एप्लीकेशन की लिंक, वहां पर जाइए इत्मीनान से आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स कॉस्टिंग और फाइनेंस के कोर्सेज वहां पर अवेलेबल है एट अ प्राइस ऑफ 251 फॉर द एंटायर कोर्स। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स भी अवेलेबल करा कर दिए सेमेस्टर पैटर्न के हिसाब से जो कॉलेज वालों को अप्लाई होते हैं, और सेम पेपर पैटर्न अब आईडल को भी अप्लाई होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारी चीज़ों से जुड़े रहोगे, और अगर आइडल किसी तरीके के अपडेट फ्यूचर में भी आपको चाहिए और आपकी हॉल टिकट जैसे ही रिलीज होगी उसके बारे में भी अपडेट आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो अब कुछ करना कुछ नहीं है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको सारी अपडेट टाइम से पहले आपको मिल सके। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।